नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर चल रहा था, वो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड का पहला यूनिट का चल रहा था, और पेपर का नाम था, चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। जिसमें हमने ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया उसका, प्रोटोलाम पहले सारकोड नाम था, फिर प्रोटोलाम नाम बाद में दिया गया, डुजारडे ने दिया, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने समझा था। और इसके इंक्लूजन्स के बारे में समझा था कि इसकी जो स्टोर्ड फूड इंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं, और वेस्ट मटेरियल क्या क्या उसमें इंक्लूजन में प्रेजेंट रहते हैं, इसके बारे में हमने समझा था पहले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियोस क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल वेस्ट प्रॉपर्टी और प्रोटोप्लाज्म की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म एक अत्यधिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही गाढ़ा, जेली लाइक गाढ़ा होता है ये स्ट्रक्चर होता है, और कैसा होता है सेमी परमीएबल स्ट्रक्चर होता है। सेमी परमीएबल का मतलब ये होता है, परमीएबल का मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंट, एकदम एक दूसरे उसके किसी भी वस्तु के हम दूसरी तरफ एकदम क्लियर रूप से देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं, या फिर कहते हैं परमीएबल सब्सटेंस कहते हैं। और सेमी परमीएबल वो होता है जिसके पीछे का हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता रहता है। इसके मतलब जो सब्सटेंस है, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर का भी हमें मटेरियल दिखाई देता रहता है, उसके पीछे का भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता रहता है, और रोशनी जो है, लाइट जो है, उसके आर पार जा सकती है। तो सेमी परमीएबल का मतलब होता है कि कुछ मात्रा में पीछे का दिखाई देता है, या फिर कुछ मात्रा में जो है उस प्रोटोप्लाज्म को पार करके लाइट एक दूसरी साइड में आ सकती है, सेमी परमीएबल कहलाती है। जिसके सेमी परमीएबल का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर का मटेरियल भी हमें थोड़ा बहुत गंदला सा दिखाई देता रहता है। तो सेमी परमीएबल स्ट्रक्चर होता है मतलब इसके पार लाइट जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जाती है, बल्कि कुछ मात्रा में ही जाती है। तो सेमी परमीएबल स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब गाढ़ा थिक स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटोप्लाज्म। दूसरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर इंसॉल्युबल होता है। ये वाटर इंसॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर इसको हम घोल नहीं सकते, इसे सॉल्युबल नहीं कर सकते, तो वाटर के अंदर ये घुलता नहीं है। लेकिन अगर इसे हम वाटर के अंदर डाल दें या तो फिर क्या करेगा, ये वाटर को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा। तो ये क्या करता है, वाटर इंसॉल्युबल होता है, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, वाटर इंसॉल्युबल होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और वाटर इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी। अब आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, ये काफ़ी इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर इसको इसका हम शेप फोर्स लगाकर इसके शेप को चेंज करें तो ये चेंज हो जाएगा, और फिर जब हम इसको फोर्स हटा लेंगे तो पुनः अपनी जैसे ही कंडीशन में अपने जैसे शेप को पुनः प्राप्त कर लेगा, तो इसे कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब किसी पर हम फोर्स लगाएं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम फोर्स लगाएं, हटा लें, तो वो बोर्ड अपनी जैसी संरचना में वापस आया। रबर की जो गेंद होती है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, लेकिन जब हम उसको फोर्स हटा लेते हैं तो रबर की जो गेंद है वो पुनः रबर अपने शेप को मेंटेन कर लेती है, तो इसको कहते हैं इलास्टिक। जबकि नॉन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका शेप बदल दें, उसके बाद जब हम फोर्स हटा लें तो उसका शेप पुनः अपने जैसा पहले जैसा शेप प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि जो नया शेप दिया है जो, तो वही नया शेप ही बना रह जाए, तो उसे कहते हैं नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, इलास्टिक होता है, अर्थात इसके ऊपर हम शेप को चेंज करने की कोशिश करें बल लगाकर, फोर्स लगाकर, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको फोर्स को हटाएंगे ये पुनः अपने पहले जैसे ही संरचना में, पहले जैसे शेप में आ जाएगा। जैसे कि हाथ का ये स्किन है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और सेल्स को हम पकड़ कर खींचें तो ये सेल्स जो होती हैं वो खिंच जाती हैं, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो पुनः ये अपने वैसे ही पहली जैसी संरचना में, पहले जैसे शेप में आ जाती हैं, तो इसे कहते हैं इलास्टिक। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, इलास्टिक होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है ये। और चौथा अब आता है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में
कि यह कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो विलेय पदार्थ हैं वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और इसमें ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। ब्राउनियन मूवमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ब्राउनियन मूवमेंट में जो होता है कि जो एयर है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर समय इधर उधर जिगजैग गति करते रहते हैं, इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इधर उधर गति हर समय करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और इसमें ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें लिविंग एक्टिविटी होती है। लिविंग एक्टिविटी मतलब जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी क्रियाएं इसके अंदर, लिविंग एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ होती हैं, और भी रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, और भी बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इसमें भोजन जो होता है वो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, डाइजेशन से एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है उसकी उसका जो काम है उस इस अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें वो खर्च करता है। तो जो उसमें जो एक्टिविटी होती है, लिविंग एक्टिविटीज होती हैं, उनमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी जो ग्लूकोज के डाइजेशन से, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से हमें इसमें प्राप्त होती है, इसलिए पहली जो प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है और इससे मेटाबॉलिज्म होता है, उससे एनर्जी प्राप्त होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एक्टिविटीज़ करने के लिए। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है प्रोटीन डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के पॉलीमर का बना हुआ होता है। तो जो अमीनो एसिड का बना हुआ होता है और वो ये अमीनो एसिड मिलकर बनाकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सभी अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा, और ये सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमर। पॉली से मतलब है बहुत सारे, पॉलीमर बना लेते हैं, और ये जब पॉलीमर बना लेते हैं तब इसका निर्माण होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए अमीनो एसिड एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक पॉलीमर बना लेते हैं, और विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं, और पॉलीमर बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। अगली नेक्स्ट है, इसमें आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं, आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड पदार्थ को उसमें सोडियम उनके आयन में, कैटायन में और एनायन में तोड़ने की क्रिया आयनाइजेशन की क्रिया कहलाती है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सॉलिड पदार्थ के डिकम्पोजिशन के समय ये एक्टिविटी होती है। जब सॉलिड पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब उसका टूटता है, उसके वो आयन में जब टूटता है, कैटायन में, एनायन में जब टूटता है, तब जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है, आयनाइजेशन की क्रिया होती है। जैसे कि सोडियम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम आयन में टूट जाएगा और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड में जो टूटने की जो क्रिया है वो कहलाती है आयनाइजेशन की क्रिया, और इस किसके अंदर पाई जाती है ये केमिकल प्रॉपर्टी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर जो बनाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, सॉलिड पदार्थ को डिकम्पोजिशन करके उन्हें आयन में तोड़ देता है। तो इस प्रकार की ये तीन प्रोसेस हमने बताई, तीन प्रॉपर्टी हमने बताई प्रोटोप्लाज्म की, तीन फिजिकल प्रॉपर्टी, चार फिजिकल प्रॉपर्टी बताई कि ये जेली लाइक सेमी परमीएबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर को अधिक एब्जॉर्ब बहुत अधिक करता है, इलास्टिक होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और ब्राउनियन मूवमेंट इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने आज पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी,
के बारे में पढ़ा प्रोटोप्लाज्म की। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बी एस सी सेकेंड ईयर का ये जूलॉजी का पोर्शन था। ऐसे ही और भी पेपर जो हैं जूलॉजी के, पहले दूसरे तीसरे तीनों पेपर कराऊँगा मैं, तीनों ही पेपर कराऊँगा और सब फ्री होंगे। और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आप जिस भी बोर्ड के हैं और आपके बोर्ड में या अगर ये सिलेबस में है तो आप इसे ज़रूर नोट करते रहिए। कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर उसको लिखते रहिए, बनाते रहिए, जो नोट्स तैयार करते रहिए। मैं आपके सारे नोट्स तैयार करा दूँगा, फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के, बीएससी प्रीवियस के भी, बीएससी सेकंड ईयर के, बीएससी थर्ड ईयर के भी, जूलॉजी के तीनों पेपर कंप्लीट करा दूँगा, बॉटनी के भी तीनों पेपर कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। और हो सका तो केमिस्ट्री का भी अवेलेबल आपके ऊपर, आपके इस चैनल पर मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल।